नमस्ते, मैं हूं तत्परा अहोरात्रा। मेरे पिता अहोरात्रा की गगन गोचरी वसुंधरा के शोध से आज आपके साथ जानकारी बांट रही हूं। आधुनिक विज्ञान की वजह से हम आज मात्र अपनी उंगलियों पर ही धरती का दृश्य देख सकते हैं। गूगल अर्थ को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दिखाई देने वाला दृश्य है हमारा भूमंडल ग्रिड के साथ। हमारे पूर्वजों ने भूमंडल में मौजूद उत्तर ध्रुव को सोम ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को यम ध्रुव का नाम दिया। यही है हमारा यमलोक और यही है हमारा स्वर्गलोक। हम इन सुख और दुख के बीच घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। इन सुख और दुख से मुक्त होने को ही हम मुक्ति कहते हैं। हमें हमारे पूर्वजों का एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान पता चलेगा। गुजरात के नीचे के हिस्से को उल्टा देखने पर यह गरुड़ आकृति में नजर आता है। आइए देखते हैं कैसे। यही है गुजरात। गरुड़ का मुख पे नजर आ रहा आंख ही है हमारा जूनागढ़। गरुड़ के मुख से जुड़ा हुआ भारत के कन्याकुमारी तक का हिस्सा है इस गरुड़ का पंख। दूसरा पंख अफगानिस्तान से यूएई तक फैला हुआ है। इस गरुड़ के पूंछ के हिस्से में आसाम, म्यांमार, बैंकॉक, हांगकांग, इंडोनेशिया ये सब आता है। इतना बड़ा गरुड़ ही है श्री विष्णु का वाहन। गरुड़ के आंख में बसे हुए भवनाथ क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग शिवरात्रि मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। कहते हैं कि यह क्षेत्र भगवान कृष्ण ने माया के माध्यम से निर्माण किया था। निर्माण करते समय श्री कृष्ण उनके अत्यंत प्रिय मोर के पंख के आकृति में बनाने को कहते हैं। आप देख सकते हैं मोर के पंख के आकृति का जूनागढ़। गरुड़ के सर पे जहां ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र होता है वहां पर हमारा अति सुंदर सोमनाथ देवस्थान है। इसे वल्लभ भाई पटेल जी ने जीर्णोद्धार करके कलश स्थापना किया था। हजार साल पूर्व घजनी द्वारा नाश किया गया था यह क्षेत्र। 17 बार लूटे जाने पर भी ऐश्वर्यवान रहा सोमनाथ देवस्थान। इस देवस्थान में एक अद्भुत खगोल विज्ञान है। यहाँ पर एक बाण स्तंभ है। बाण स्तंभ में एक बाण की आकृति है जो दक्षिण ध्रुव की तरफ मुड़कर दक्षिण ध्रुव की ओर इशारा कर रही है और इसीलिए इसे बाण स्तंभ का नाम दिया गया है। इसकी विशेषता ये है कि इसका एरो जो दक्षिण की ओर मुड़ा है उसका अर्थ है कि दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आने पर जो सबसे पहला तीर्थ क्षेत्र मिला वही बना सोमनाथ देवस्थान। आइए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। आप स्वयं ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इस रेखा मार्ग में एक द्वीप भी रास्ते में नहीं आता है और ये सीधा दक्षिण ध्रुव को छूता है। आज के जमाने में जहां हमें हमारे बाजू के घर में क्या चल रहा है ये भी नहीं पता, लेकिन गूगल अर्थ की मदद से हम आज आसानी से इतनी दूर लगभग 24,000 किलोमीटर तक देख पा रहे हैं। यही हमारे पूर्वजों के शक्ति का संकेत है। आर्यभट्टा और भास्कराचार्य जी कितने महाज्ञानी थे। इस वजह से ही हमारे सैटेलाइट्स को भी उनका ही नाम दिया गया है। हमारे पूर्वजों का मानना था
कि मरने के पश्चात आत्मा पहले यमलोक जाता है, जहां निर्णय किया जाता है कि यदि वे स्वर्ग जाएंगे या नरक। इसीलिए हमारे पूर्वज मृत शरीर के सर को दक्षिण की ओर रखकर लेटाते थे। सोमनाथ को मिलना और सोमध्रुव को मिलना एक ही समान है। भूमि यानी गुड़ और समुद्र यानी नमक। इसीलिए सबसे मीठे फल उगते हैं भूमि पर और नमकीन चीजें समुद्र में। समुद्र और भूमि के मेल से चल रही है हमारी पूरी दुनिया। सोमनाथ की यह अद्भुत लीला पहचानी गई सप्तऋषि यानी मरीचि, वशिष्ठा, अंगीरसा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और अगस्त्य ऋषि, ध्रुव ऋषि, हमारे संचारी ऋषि नारदा, राजा ऋषि भगीरथा, विश्वामित्रा जैसे कई लोगों के तपों, संचारी, योग और दिव्य दृष्टि द्वारा। यदि आप सोमनाथ देवस्थान जाएंगे तो बाण स्तंभ जरूर देखना। सोना, पत्थर और लकड़ी से बनाया गया यह स्तंभ का जीर्णोद्धार किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। अब देखेंगे कि यमलोक कैसे पहचाना गया। भगवान यमराज का वाहन है भैंसा और ये ठीक भगवान यम की मुख की आकृति का है। गरुड़ के सिर से आते हुए ये रेखा यमराज के सर से आकर मिलता है। भगवान यमराज विराजित है अपने वाहन भैंसा पर। आप भैंसा के आंख, सींग और मुख देख सकते हैं। ऐसे कई और जानकारी के लिए मेरे पिता अहोरात्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक गगनगोचरी वसुंधरा को पा सकते हैं। पुस्तक के लिए ईमेल करें tatparaahoratra@gmail.com पर। धन्यवाद।